हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मी किचन। सो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए आलू के बरूले, जो सबसे ज़्यादा फेमस है अलीगढ़ में और काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में भी। संडे देखिएगा हमारी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और साथ के साथ हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के बरोले बनाने के लिए हमें 1 किलो आलू ले लिए हैं, छोटे आलू ले लिए। इनको हमने उबाल लिया था, ज़्यादा नहीं उबालना हमें इसे। तो हमने इसका छिलका उतार लिया है, और हमने ले लिया है कॉर्नफ्लावर जो हमने लिया है 4 बड़ी चम्मच। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक, और इसके अंदर डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर 1 छोटी चम्मच, और इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर 2 छोटी चम्मच। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, और आपको इसको बिल्कुल ही थिक तैयार करना है, इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। सो इसके अंदर हम डाल देंगे फूड कलर, इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा बरूलों के अंदर। सो हमने डाल दिया रेड फूड कलर, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। सो इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और डाल लेंगे हम फूड कलर, और मिक्स कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा पतला घोल तैयार नहीं करना, बिल्कुल ही थिक तैयार करना है। और इसके अंदर हम डाल देंगे आलू जो हमने उबाले थे, तो हम डाल देंगे 1 किलो आलू लिए हमने, वो डाल देंगे उबाल लिए थे हमने। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आलू की और इसकी घोल की। सो हमने कॉर्नफ्लावर लिया, अगर आप अरारोट डालना चाहते हो अरारोट भी डाल सकते हैं। इन आलू को हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। सो गाइस देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद ही हम इसके अंदर एक एक करके सारे बरूले डाल देंगे, जितने कढ़ाई के अंदर आए उतने डाल दीजिएगा, और फिर 1-2 मिनट बाद पलट लीजिएगा। हमने मीडियम फ्लेम रखी है, आपको ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम रखनी है आपको। सो गाइस देखिए बरूले तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से, बस 1-2 मिनट लगे इन्हें सेकने में। सो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। सो गाइस देखिए आलू के बरूले कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, कितना काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है इनके अंदर। सो अब कढ़ाई के अंदर हम और डाल लेंगे आलू के बरूले। सो गाइस देखिए आलू के बरूले बनकर रेडी हो चुके हैं, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और इसे हरी चटनी या लाल चटनी के साथ आप इसे सर्व करके खा सकते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला लगा के आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, और हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ, और हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में हम आपके लिए क्या रेसिपी बना सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।